माताजीस, मायसेल्फ सुंदर कुमार एंड आई एम हेयर टू टेल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन। आई एम मायसेल्फ स्टूडेंट। सो जैसा कि आप जानते हैं कि बुक्स आर द बेसिस, शिला प्रभुपाद ने भी बोला है और माताजी ने भी बोला था, हरे कृष्ण। बुक्स आर द बेसिस, तो आपको पता होगा कि बेस कितना जरूरी है हमारे लिए, है कि नहीं? कोई बिल्डिंग बनाओ, कुछ भी करो, बेस जिसका बेस मजबूत नहीं होगा ना, एक एक ईंट गिरने का खतरा है कि नहीं? हरे कृष्ण, बिल्कुल है। तो इसीलिए श्रीला प्रभुपाद ने बोला बुक्स आर द बेसिस। अगर भक्ति में अगर प्रचार बढ़ाना चाहते हो, अगर मींस एक अच्छे तरीके से भक्त बनना चाहते हो ना, तो बुक्स को फॉलो करो और बुक्स को पढ़ा करो। हरे कृष्ण। इवन भगवान श्री कृष्ण ने खुद भगवद गीता में कहा है कि जो मेरे ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएगा तो वो मुझसे सबसे ज्यादा प्रिय है। बिल्कुल है ना। तो भगवान के लिए तो इतना करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा? भगवान जो तीनों लोगों के मालिक है, वो कह रहे हैं कि मेरे प्रेम के लिए तुम्हें इतना करना पड़ेगा, तो क्या हम नहीं करें? करें नहीं करें? हरे कृष्ण। पर हमारी सोच पता है क्या है, हमारी सोच बहुत लिमिटेड है ना। अगर हमसे कोई पूछे कि भक्ति क्यों करते हो, हम क्या कहेंगे? हमें भगवान के धाम जाना है, जन्म मरण से छुटना है ना। पर प्रभु गुरु महाराज, हरे कृष्ण, गुरु महाराज का मैं एक लेक्चर सुन रहा था, तो गुरु महाराज ने एक जबरदस्त पॉइंट बताई थी एक भक्त के माध्यम से, कि भक्त क्या सोचता है। भक्त सोचता है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, चाहे उसके लिए नरक क्यों ना मिले। हरे कृष्ण। एक बड़ी पॉइंट बताई और बड़ी दिल से लगी, कि भक्त ये परवाह नहीं करता कि मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरे लिए क्या अच्छा है, पर उसका वो प्रेम है। देखो, एक भगवान के लोक में जाना या जन्म मरण से छुटना भी सही है, पर किसी हद तक। पर भगवान का प्रेम है ना, उसकी कोई हद नहीं है। हरे कृष्ण। कुछ दिनों पहले मैं भी यही सोचता था कि यार ये कैसे, मतलब घर घर जाना और बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, बुक्स सेल करना, भगवान का प्रचार आगे बढ़ना, कैसे यार इनको, मतलब कैसे इंटरेस्ट लेते। पर कुछ ही दिन पहले मुझे ज्ञान आया, नहीं यार, ये बड़ी चीज है। जो बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, उसको एक हकीकी आनंद मिलता है, और मैंने ऑब्जर्व किया था, बिल्कुल किया था। और मैं कहता हूं कि आप सब भी कर सकते हो। हरे कृष्ण। बस हमारा यही प्रॉब्लम है ना, हम ये नहीं चाहते कि प्रचार आगे बढ़े और मींस ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आए। सिर्फ हमारी यही सोच है ना, लिमिटेड है। जिस दिन हमारी ये सोच बढ़ गई ना कि भगवान का प्रचार हर जगह होना चाहिए, हर प्रेमी आनंद, मतलब आनंद गेन करे, जैसे चैतन्य महाप्रभु की सोच थी, तो मैं प्राउडली कह सकता हूँ एक एक यहाँ से एक एक बंदा उठ के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, बिल्कुल करेगा। जिस दिन ये सोच हो गई ना कि हर कोई आनंद पाए, हर कोई भगवान का भक्त बने, हर कोई भगवान से प्रेम करे, हर कोई जाएगा। अगर मैं कहता हूँ एक एक बंदा भी यहाँ से बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाए ना, अगर एक एक भगवद गीता भी सेल करते ना हम, तो सोचो इनसे ट्रिपल चौपल बंदे यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ पे भक्त बन सकते हैं, सिर्फ एक भगवद गीता सेल करने से। हरे कृष्ण। क्या वैल्यू है, मतलब एक भगवद गीता, कितने हमारे रिलेटिव्स हैं, कितने फ्रेंड्स हैं, पर एक भगवद गीता हम नहीं सेल कर सकते, उनको घर घर नहीं जा सकते। वैसे तो कितनी बातें करते हैं हम, करते हैं ना, बिल्कुल करते, मैं भी करता हूं, पर कोई अच्छी बात और कोई अच्छा काम, मतलब जो उनको भी फायदा दे, हमें भी फायदा दे, आई थिंक दैट इज द बुक डिस्ट्रीब्यूशन। और जिस दिन आपको ये सोच आ गई ना कि सब प्रेम और सब मींस भक्त बने ना, तो उस दिन आप भी जाओगे, जरूर जाओगे। और कृष्णा से मेरी विनती है कि आपको भी वही ज्ञान दे, आपको वही एक्साइटमेंट दे, कि हर बंदा बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाए, हर बंदा एक दूसरे बंदे को बताए कि भगवान का प्रेम क्या होता है, और आप सब जाओगे, जरूर जाओगे। हरे कृष्ण। थैंक यू सुंदर प्रभु, इट्स अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन। हरे कृष्ण।